आती है किधर बातें न बना ये करती है क्या लाहौल विला मुस्ताख नजर चेहरे से हटा है क्या लाहौल वेला गुस्ताख नजर चेहरे से हटा उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया तुम कुछ नहीं समझते हो पांडू हमें एक आदमी को नहीं पकड़ना है सारे गिरोह को पकड़ना है समझे नहीं आपने कहा और मैं समझा चले आओ पंडित जी अजी मौलाना बहुत देर लगा दी मिस्टर बुलाकी क्या बताऊं मनोहर बाबू बहुत मुसीबत में फंस गया था जेल से निकलते ही दो आदमियों ने पीछा करना शुरू कर दिया था क्या मतलब पंडित पुजारी जैसे मालूम होते थे मैंने आग बचाकर निकलने की कोशिश की लेकिन वो लोग होटल तक आ ही गए होटल तक आ गए जी हाँ मैं तो बचकर निकल आया लेकिन इसमें शक नहीं कि वो लोग जरूर सीआईडी के आदमी हवाई जहाज पर नोट भेजने की खबर सुंदरदास की मौत और अब तुम्हारा पीछा किया जाना इससे साफ जाहिर है कि हम में से कोई ना कोई गद्दारी कर रहा नहीं मनोहर बाबू ऐसा नहीं हो सकता आखिर हम सब शुरू से एक हैं उसी के लिए जान तक दे सकते हैं फिर भला एक दूसरे से गद्दारी कैसे करेंगे ठीक है लेकिन मौजूदा हालात आपके ख्याल की ताइद नहीं करते खैर ब्लॉकी राम जी ब्लॉक ले जी हाँ वेरी गुड आखिर हमें कामयाबी हासिल हो ही गई अब हमें नए माल की कमी नहीं रहेगी इसलिए हमें चाहिए कि पुराना स्टॉक जल्द से जल्द निकाल दिया जाए मिस्टर धनीराम मेरा ख्याल है कि संडे की रेस में आपके लिए 50,000 निकालना मुश्किल ना हो 50,000 क्यों इम्पॉसिबल इसमें मुश्किल की कौन सी बात है ये देखिए लाला दीनदयाल जी छोटी सी कपड़े की दुकान है फिर भी हर महीने 15,000 खपा देते खान साहब का गलीचे का कारोबार है हर महीने 20,000 खपा देते और आपसे इतने बड़े रेस कोर्स में 50,000 ना खपाया जा सकेगा ये तो सब ठीक है मनोहर बाबू लेकिन जरा पुलिस की सरगर्मी तो देखिए पुलिस से डरने लगे डरता नहीं हूँ लेकिन अगर कहीं माल पकड़ा गया तो उसमें आपका क्या है माल का नुकसान तो हमारा होगा आपको तो अपनी पूरी पूरी कमीशन मिल जाएगी लेकिन कमीशन भी कहाँ बढ़ाते हैं आप लोग ये मेरे बस की बात नहीं ये बॉस का हुक्म है और मैं बॉस के हुक्म को टाल नहीं सकता खैर साहब आप लोग मालिक हैं जैसा जी में आए करें बस मेरा तो जो 20,000 का कोटा है मुझे वही दिलवा दीजिए ठीक है आप लोग यहीं बैठिए मैं अभी माल लेकर आता हूँ
ਲੈ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈ ਜਲਦੀ ਕਿਨੋ ਉਸ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਚਕੋੜੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰੋਂ ਮਲਕ ਉਹ ਜਾਣੀ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਨੇ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਮੁਖਤਾਰੋਂ ਮਲਕ आप इन्हें पहचानते हैं हम ओथे वाले ओए होए आदमी ओ तेरा खाना खराब आप इन्हें पहचानते हैं जी जी नहीं मैंने नहीं पहचाना खुदा आधा खौफ कर और क्यों झूठ बोल रहा आप चुप रहिए ये पुलिस ऑफिस है तो मिस्टर धनीराम आप इनको नहीं पहचानते जी शायद देखा हो लेकिन कब और कहां कुछ याद नहीं आता इंस्पेक्टर खाना खराब है पुत्रा और कल इधर रेस्टोरेंट चार साहब जी मिस्टर धनीराम आप शंगरीला होटल में कब से रहते हैं जी इधर देखिए कब से रहते हैं पांच छह साल आप सुंदरदास को जानते हैं जी आप सुंदरदास को जानते हैं जी सुंदर कौन सुंदरदास जाली नोट वाला सुंदरदास जाली नोट वही जो दिल्ली जा रहा था लेकिन पुलिस से बस निकलने की कोशिश में ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया आप जानते हैं उसे जी सुना तो था मामला मगर कब सुना था कहां सुना था जी किससे सुना था जी वही होटल में कोई बात कर रहा था लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी फिर आपके पास ये जाली नोट कहां से आए जाली नोट कैसे जाली नोट वही जो कल रेस कोर्स में आपने इनको दिए थे मैंने दिए थे नहीं दिए थे आपने 7000 के नोट 7000 जी और उनमें से 5000 के नोट जाली हैं। नहीं साहब ये कभी नहीं हो सकता मेरे पास कहां से आए जाली नोट ये है वो जाली नोट पहचानी है इन्हें ये नोट जाली है क्या बुराई है इनमें ये तो अच्छे भले हैं ये जाली नोट है कहां से मिले किसने दिए मुझे नहीं मालूम यकीन कीजिए इंस्पेक्टर मुझे कुछ मालूम नहीं आप ही सोचिए असली और नकदी में फर्क कैसे जाना जा सकता है और फिर साहब रेस में तो तूफान रहता है लाखों का लेन देन इससे लिया उसको दिया उससे लिया इसको दिया अच्छा एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये नोट मैंने ही इनको दिए लेकिन आप ये भी तो पता लगाइए कि आखिर ये नोट मुझे किसने दिए इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं मुझे कुछ मालूम नहीं इंस्पेक्टर बाय गॉड मुझे कुछ मालूम नहीं मैं बिल्कुल बेकसूर हूं अगर रेस का बुकी होना गुनाह है तो मैं गुनाहगार उसके लिए चाहे आप मुझे जेल भेज दीजिए या जो जी में आ दीजिए तुम बड़े होशियार आदमी कहो दिनेश क्या हुआ ये आदमी बड़ा काया मालूम होता है सीधे तरीके से काबू नहीं आएगा तो उसे हवालात में बंद कर दो खुद बहुत ठीक हो जाएगा बैठो जी नहीं मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए जी ये तय है कि ये खुद कुछ नहीं बोलेगा लेकिन छोड़ने के बाद इस पर नजर रखने से शायद कुछ पता चल सके जैसी तुम्हारी मर्जी केस तुम्हारे सपोर्ट किया जा चुका है जैसा तुम मुनासिब समझो करो थैंक यू सर आज मैंने भी जिद पकड़ी है कि तुमसे पूछ के रहूंगा कि अगर मेरे दिल से पिताजी की याद भुलानी थी तो इन चीजों को तुमने सजा के क्यों रख छोड़ा है ये चीजें जो हर साल मुझे मेरे जन्मदिन की याद दिलाती है ये खिलौने ये कपड़े ये और ये लॉकेट जो मेरे पांचवें जन्मदिन पर उनकी आखिरी सौगात है मां तुम्हें बताना होगा कि अगर पिताजी जिंदा हैं तो कहां हैं